नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। जैविक खेती के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लॉक कपसैटी थाना अंतर्गत आज 2 बजे बाराडीह ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी ओझा जी का किसान मोर्चा कार्यक्रम में जैविक खेती के बारे में देशी गाय किसानों को रखने के लिए उसका दूध उपयोग करने के लिए किसान को जानकारी दी और उसके उपयोग का फायदा बताया। आज के कार्यक्रम में वाराणसी के सेवापुरी बाराडीह ग्राम प्रधान सुरेंद्र मिश्रा, बीजेपी कार्यकर्ता संतोष मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष संतोष सिंह, बजरंग दल सह मंत्री दीपक सैनी, एडवोकेट नित्यानंद मिश्रा, बाराडीह ग्राम सभा के सभी नागरिकगण उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, संदीप मोदनवाल की रिपोर्ट। जो आम के पौधे, जो अमरूद के पौधे और न जाने कितने ऐसे फल हमारे ग्राम सभा में पुराने समय जो हमारे बाप दादा लगाए हुए थे, उनको कोई न खाद देता है, कोई पानी देता है, लेकिन वो निरंतर हम लोगों को फल देते हैं। इसी तरीके से आज बाबूजी इस पर विस्तृत जानकारी देंगे कि जो हमारे पुरखों ने हमको देकर दिया था उसी पर जानता हूं। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात पूरी दुनिया जान रही, मगर इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। उसकी वजह और वो वजह हमको ढूंढ के वो वजह को समाप्त करना है और हमारे सारे संसार में फिर पहले हम इतनी बात करें कि इस देश में 72% किसान है, 90 करोड़ किसान परिवार के सदस्य है इस देश में, 135 करोड़ है, 2/3 किसान परिवार से जुड़े हैं, कृषि से जुड़े हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, ऐसे 72% है ये देश में। ये भाई है, बहन है, माता है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, ये सब है। अब कोई आपको कहे कि 60 पाक के बाद, मतलब 20-25 साल के बाद ये जमीन में कुछ बचने वाला नहीं है, ये जमीन जमीन ही नहीं रहेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।